साथ चास भविष्य दर्शन केंद्र के वरिष्ठ ज्योतिर्विद सत्यनारायण शर्मा जी हैं। आइए उनसे जानेंगे कि घर के बाहर अक्सर शुभ और लाभ के चिन्ह क्यों बनाए जाते हैं और इसके हिंदू धर्म में क्या विशेष महत्व है। आइए जानते हैं पंडित जी से इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी। जब लक्ष्मी पूजा का दिन होता है उस दिन लक्ष्मी और गणेश जी का आवाहन किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। एक पूजा षोडशोपचार से होती है, एक पंचोपचार से पूजा की जाती है। उस लक्ष्मी वाले दिन जो है गणेश लक्ष्मी का आवाहन के लिए षोडशोपचार पूजा विशेष करके उसका महत्व होता है। वहाँ लक्ष्मी और गणेश जी की स्थापना करने के बाद लक्ष्मी पूजा के दूसरे दिन जब और देवताओं का विसर्जन किया जाता है तो घर का द्वार हो या अपना दुकान हो उसके द्वार के ऊपर शुभ और लाभ लिखा जाता है। वो लक्ष्मी का आवाहन होने के बाद जैसे लक्ष्मी घर में आ गई, उसकी पूजा हो गई, स्थापना हो गई, उसके बाद घर के द्वार पर या दुकान के द्वार पर आपका शुभ और लाभ लिखा जाता है। शुभ लाभ का मतलब आगे हमारे घर में अच्छा लाभ प्राप्त हो, हमारे बिजनेस व्यापार में अच्छा लक्ष्मी का वास आए और अच्छा प्रॉफिट हो। उसके साथ में शुभ लाभ के साथ में रिद्धि और सिद्धि भी लिखी जाती है कि लक्ष्मी जो आती है वो शुभ लाभ लेते हुए रिद्धि सिद्धि के सहित आए, जिससे कि हमारे घर में रिद्धि बढ़ती रहे, धन बढ़ता रहे, सिद्धि होती रहे, हर काम सिद्ध होते रहे, ऐसी लक्ष्मी आए। लक्ष्मी चंचला होती है, आती है चली जाती है, इसलिए उसको स्थिर रखने के लिए शुभ और लाभ और रिद्धि सिद्धि ये द्वार पर लिखी जाती है। रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के साथ में बीच में उसमें स्वस्ति का चिन्ह भी लिखना चाहिए। स्वस्ति का चिन्ह का मतलब जो लक्ष्मी आई है वो हमारे घर में स्थिर रहे, सब तरह के सुख समृद्धि मिले, शांति मिले, वातावरण अच्छा रहे, घर में जैसे परिवार की वृद्धि हो, इसलिए स्वस्ति का चिन्ह लिखा जाता है।